वेटलिफ्टिंग खेळाडूंसाठी नांदेडमध्ये प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे। या प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन गुरुवारी सचखंड गुरुद्वाराचे हेड ग्रंथी कश्मीर सिंग जी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी अमरजीत सिंग रामगडिया, जिल्हा क्रीडा अधिकारी गुरदीप सिंग संधू, राजेंद्र सिंग सोडी, जसविंदर सिंग रामगडिया, परभणीचे सिराज रंगरेज, मधुकर श्रीसागर प्रशिक्षक परमजीत सिंग सिद्धू यांच्यासह इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती। नांदेड जिल्हा मल्टी गेम अँड स्पोर्ट्स अकॅडमी आणि नांदेड जिल्हा वेटलिफ्टिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष अवतार सिंग रामगडिया यांनी वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले आहे। या प्रशिक्षण केंद्रात 13 आणि 17 वयोगटातील खेळाडूंना मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे। यापूर्वी खेळाडूंना प्रशिक्षणासाठी पुणे येथे जावे लागत होते, आता मात्र नांदेडमध्ये खेळाडूंना वेटलिफ्टिंगची सुविधा मिळणार आहे। नांदेड जिला वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर सरदार राम अवतार सिंह जी रामगढ़िया इनके ओर से यहाँ पर एक वेटलिफ्टिंग सेंटर एसोसिएशन की तरफ से किया गया है, जिसमें यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं कुछ बच्चे काफ़ी सही है और वो राज्य स्तर तक इस एसोसिएशन की ओर से जाएंगे। इनका इस ये एसोसिएशन सरदार अवतार सिंह जी रामगढ़िया इनके इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। काफ़ी दिनों से वेटलिफ्टिंग के लिए कार्यरत है और इन्होंने खुद की सभी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ एक बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा कर दिया है, जिससे यहाँ नांदेड ज़िले का ज़्यादा से ज़्यादा वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी यहाँ से ही निकलेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पहले शुरू में नांदेड से बच्चे डिस्ट्रिक्ट खेलना, डिस्ट्रिक्ट के बाद में स्टेट जाना, स्टेट के बाद में वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद पूना में बालेवाड़ी पे वहाँ पे कोचिंग के लिए जाना पड़ता था। 15 दिन वहाँ उनका कैंप चालू रहता था। अब कैसा होगा, अभी नांदेड में हमारे लोकल में बच्चे हमारे कैंप लेंगे, कैंप में पूरी तैयारी करके डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल में मेडल पूरा लेंगे और इसी वजह से हमारी एक उम्मीद है कि आगे चल के नांदेड डिस्ट्रिक्ट वाला बच्चा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेगा और आगे जाके अपने नांदेड का नाम पूरे भारत शहर में ऊंचा करेगा। धन्यवाद।